A traveling wave is produced on a long horizontal string by vibrating an end up and down sinusoidally. The amplitude of vibration is 1 centimeter and the displacement becomes 0 to 100 times per second. The linear mass density of the string is 0.1 kg per meter and it is kept under tension of 90 Newton. First part, find the speed and the wavelength of the wave. Second, assume that the wave moves in the positive x direction and at t equal to 0, the end x is at 0 at its positive extreme position. Write the wave equation. Third part, find the velocity and acceleration of the particle at x equal to 50 cm at time t equal to 10 millisecond. So, पहले डेटा लिख लेते हैं. हमें बोला हुआ है इसके लिए that the amplitude is 0.01 meter. Actually, 1 centimeter दे रखा है. So, I'm going to write in SI unit also. And displacement becomes 200 times per second. 0 होता है 200 times per second. देखिए सवाल में आगे देखेंगे आप, देख ही रहे होंगे ऊपर कि डिस्प्लेसमेंट उन्होंने स्टार्ट बोला है कि आप एक्सट्रीम से स्टार्ट करिए और ऐसे है स्ट्रिंग. यहाँ x इक्वल टू 0 है, यहाँ x इक्वल टू लेंथ l है और यहाँ से स्टार्ट करना है. ऐसे में डिस्प्लेसमेंट 0 एक बार होता है, फिर एम्पलीट्यूड फिर दूसरी बार होता है, फिर वापस वहीं इस जगह पर. तो एक पूरे ऑसिलेशन में डिस्प्लेसमेंट 2 बार 0 होता है. तो 2 बार जब 0 होता है, 2 टाइम्स एम्पलीट्यूड 0, तब एक ऑसिलेशन है. जब 200 टाइम्स होगा तो कितने ऑसिलेशन होंगे? 100. तो इस तरीके से उन्होंने फ्रीक्वेंसी हमें बता दी 100 हर्ट्ज़ है. अब ये डेटा है और साथ में हमको दे रखा है म्यू विच इज़ 0.1 kg पर मीटर एंड नेक्स्ट इज टेंशन विच इज 90 न्यूटन. नाउ वी हैव टू फाइंड आउट फर्स्ट फाइंड द स्पीड. स्पीड इज टी बाय म्यू. टेंशन इज 90/0.1, दैट इज 900. सो वी हैव 30 मीटर पर सेकेंड, दैट इज द स्पीड ऑफ द वेव. इसी का पार्ट दे रखा है सेकेंड पार्ट कि आप वेवलेंथ पता करें विच इज वी बाय लेमडा. वेलोसिटी हम निकाल चुके 30 और वेवलेंथ दे रखी है हमको, सॉरी फ्रीक्वेंसी 100. सो वेवलेंथ कम्स आउट टू 0.3 मीटर और 30 सेंटीमीटर. फिर हमसे बोला हुआ है फाइंड करने को इक्वेशन. जब भी आपका ये एंड खुला होता है कॉस लगेगा हमेशा, ये आप याद रखें. तो वन एंड ओपन है तो हमेशा कॉस इक्वेशन लिखी जाएगी. तो वाई इक्वल्स टू ए कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स. सो ए इज 0.01 कॉस 2πft माइनस 2π/λx. आप 2π बाहर ले सकते हो एज अ कॉमन कॉस 2π. देन वी हैव ft माइनस x बाय लेमडा. 0.01 कॉस 2π, एफ एस 100 टी माइनस एक्स है एक्स और लेमडा इज 0.3. सो ये हमारी इक्वेशन. अभी आप चाहो तो थोड़ा ऐसे भी लिख सकते हो 0.01 कॉस 2π 100 टी माइनस 10/3x. सो दैट इज द इक्वेशन फॉर डिस्प्लेसमेंट. नेक्स्ट कम्स फाइंड द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल एट x इक्वल टू 50 सेंटीमीटर एट t इक्वल टू 10 मिली सेकेंड. तो इसके लिए हमें अगले पेज पर जाना होगा. लेट्स डू इट हियर. तो हमने जो इक्वेशन निकाली है वो है y इक्वल्स टू 0.01 cos 2π 100 t माइनस 10/3x. सो हमको वेलोसिटी एक्सेलरेशन निकालना है. वेलोसिटी विल बी डिफरेंशिएशन ऑफ y with respect to t only, that will be 0.01 cos 2π sin हो जाएगा यहाँ पे sin 2π 100t माइनस 10/3x. और ये पूरी चीज़ मल्टीप्लाई कैसे होगी? एक तो माइनस साइन से, जो cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन होता है, साथ में t के सामने जो नंबर लिखा है दैट इज 100. सो वी हैव 0.01 इंटू 100 इज 1 माइनस, और ये 2π भी आएगा. ठीक है, सॉरी ये भी टाइम के आगे ही लिखा हुआ है, एक तरह से 2π भी आएगा साथ में. सो इट विल बी 2π साइन 2π 100t माइनस 10/3x. सो दैट इज एक्सप्रेशन फॉर वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल. अब इसमें वैल्यू लगा सकते हैं. 10 मिली सेकेंड दे रखा है, दैट इज 10 पावर माइनस 2 सेकेंड.
और एक्स दे रखा है 50 सेंटीमीटर 0.5 मीटर, तो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज -2 पाई सेंट 2 पाई, 100 इंटू टाइम इज 0.01, सो इट विल बिकम, टाइम रखेंगे तो कितना आ जाएगा, सीधे 1 ही बचेगा, माइनस एक्स इज 0.5, तो 5/3, ओके, तो एक्स इज 0.5, 10 इंटू 0.5/3, देन -2 पाई साइन 2 पाई माइनस 10π/3, सो वी हैव माइनस का 2π साइन, 2π को हम लिख लेते हैं 360 और π/360 एंड देन 600, सो वी हैव वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल -2π साइन -240, दैट इज +2π, 2π साइन 240, दिस इज रिटन एज 180 प्लस 60 और -2π साइन 60, सो वी हैव 2π इंटू √3/2 कैंसिल, सो वी हैव वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एज माइनस का 3.14 इंटू 1.732, 1.7 इंटू 3 5.1 होता है, थोड़ा ज़्यादा ले लेंगे तो हम 5.5 तक जा सकते हैं अप्रॉक्सीमेटली, तो ये हमारी वेलोसिटी का आंसर आ गया। थोड़ा कैलकुलेशन में टाइम लगता है इसमें, पर इट इज़ वर्थ गिविंग टाइम, आराम से करने में कोई बुराई नहीं है। अब अगला पार्ट है एक्सेलरेशन निकालना है हमको इसी टाइम पर और इसी जगह पर, तो एक्सेलरेशन के लिए पहले वेलोसिटी जो हमने निकाली थी उसे लिख लेते हैं, -2π साइन 200π t -20π/3 x, ये हमने वेलोसिटी निकाली थी, मैंने बस 2π को अंतर गुणा कर दिया है इसलिए ऐसा दिख रहा है। अब हमें एक कदम और इसको एक्सेलरेशन के लिए डिफ्रेंशिएट करना होगा, तो 200π विल अगेन बी मल्टीप्लाइड हियर, 200π को गुणा कर देंगे और ये कॉस हो जाएगा, बाकी सब चीज़ें सेम रहेंगी, -20π/3π और x, सो ये हो जाएगा माइनस का 400π स्क्वायर कॉस 200π इंटू 10^-2 -20π/3π इंटू 0.5, अंदर का आर्गुमेंट तो सेम ही रहेगा, कोई इशू नहीं है उसमें, तो हम बिना सोचे समझे 240 लिख सकते हैं जो पहले आया था, और माइनस का, सो माइनस का 400, इसको भी 10 ले लो और कॉस 60 ही आएगा, माइनस साइन से कॉस को फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, तो 180 प्लस 60 कॉस दे देगा, साथ में ये थर्ड क्वाड्रेंट है इसलिए कॉस भी नेगेटिव होगा -1, सो वी गेट प्लस का 4000 इंटू 1/2, दैट इज 2000 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और 2 किलोमीटर पर सेकेंड स्क्वायर एज द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल।